दोस्तों 2023 में एक नया डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। आप भारत के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आसानी से ऑनलाइन दोस्तों अपना डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड बना सकते हैं। उसके लिए बस आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप किसी भी राज्य में रह के ऑनलाइन अपना राशन कार्ड बना सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहां पर टाइप करना है उमंग। जैसे आप उमंग लिखकर सर्च करते हैं, पहला जो वेबसाइट आता है इसे आपको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो आप umang.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आपको लॉगिन रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पर दोस्तों अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन दिया है रजिस्टर हियर। इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जो ओटीपी आएगा उसे आपको यहां पर डालना है। कैप्चा कोड को दोस्तों आपको यहां पर डालना है और आई एग्री कर लेना है। और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहां पर दोस्तों क्रिएट हो जाएगा। एक बार आपका अकाउंट यहां पर क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए लॉगिन हियर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहां पर आपको डालना है। जो आपने एम पिन बनाया है दोस्तों उसे आपको यहां पर टाइप कर लेना है। सब कुछ होने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहां पर दोस्तों आपको ऑल सर्विसेज दिया गया है तो सिंपली इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी सारी सर्विसेज यहां पर दी गई है। लेकिन एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो स्टेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर ऑल के ऊपर क्लिक करना है। अब सभी स्टेट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी स्टेट का आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं उस स्टेट को दोस्तों आपको यहां पर चूज कर लेना है। उसके बाद आपके स्टेट का जो सर्विस है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाईज, जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ये वाला, इसी के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि अप्लाई फॉर राशन कार्ड, व्यू राशन कार्ड डिटेल, मॉडिफाई राशन कार्ड डिटेल, न्यू फेयर प्राइस शॉप दिया गया है, और राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस, काफी सारी चीजें यहां पर दी गई है। तो आपको अप्लाई फॉर राशन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहां पर कुछ इंट्रोडक्शन आता है, तो इससे आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल देना है। तो पर्सनल डिटेल में जो हेड ऑफ फैमिली है उनका नाम आपको यहां पर टाइप कर देना है। उनके माताजी का जो नाम है दोस्तों वो आपको यहां पर टाइप कर देना है। उनके पिताजी का जो नाम है उसे यहां पर टाइप कर देना है। उनका जो बर्थ डेट है दोस्तों वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद उनका जो जेंडर है उसे आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है गाइस उसे आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। उनका मोबाइल नंबर दोस्तों आपको यहां पर दे देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको उनका नेशनैलिटी बताना है कि वो इंडियन है, NRI है, जो भी है वो आपको यहां पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद यहां पर आधार इनरोलमेंट आता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आधार आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जो आधार नंबर है उसे यहां पर आपको टाइप कर देना है। अगर यहां पर वोटर आईडी कार्ड बन गया है तो यहां पर नंबर दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहां पर नेक्स्ट करते हैं एड्रेस डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हाउस नंबर है, हाउस नेम है, उसे दोस्तों आपको इस वाले कॉलम के अंदर डाल देना है। यहां पर जो लैंडमार्क है, लोकेलिटी है, उसे टाइप कर देना है। यहां से दोस्तों स्टेट का जो नाम है उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाता है, तो ये सब दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। यहां पर विलेज एंड टाउन दिया गया है तो आपको अपना विलेज एंड टाउन भी यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो पिन कोड है उसे आपको यहां पर टाइप कर देना है, 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है। और यही एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो ऐसे में आपको इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका एड्रेस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बस आपको करना है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर बैंक डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले बैंक नेम सेलेक्ट करना है कि आपका खाता किस बैंक में है वो इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। ब्रांच का जो नेम है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है,
जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दे देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद जो आईएफएससी कोड है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, जैसे हम ब्रांच नेम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपसे प्रोफेशनल डिटेल पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना ऑक्यूपेशन डिटेल बताना है कि आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपका सैलरी कितना है उसके बारे में भी दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। ये सभी डिटेल होने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे आपको अपना गैस डिटेल देना होगा, तो गैस कनेक्शन टाइप सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपके पास किस प्रकार का गैस कनेक्शन टाइप है, सिंगल है, डबल है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंपनी नेम सेलेक्ट करना है, किस कंपनी का आपके घर में गैस है, जैसे कि यहाँ पर इंडियन दिया है, HP दिया है, भारत गैस है, तो आप अपना अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एजेंसी, ठीक है, जिस एजेंसी में आपका गैस कनेक्शन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर नेम आपको टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ये सब कुछ होने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे फैमिली मेंबर डिटेल का जो ऐड करने का ऑप्शन है वो आ जाता है, तो आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है। पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है फैमिली मेंबर का। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड का बटन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करके जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबका जो डिटेल है दोस्तों वो आपको यहाँ पर वन बाय वन करके ऐड कर लेना है, ठीक है। कितने भी लोगों का आप डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक बार सबका डिटेल यहाँ पर ऐड हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर लास्ट स्टेप में आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो सबसे पहले आपको अपना ID प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हैं, देख लीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है, जिसकी साइज 100 KB तक का होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक रेसिडेंट प्रूफ देना है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी कई ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से अपना जो आधार कार्ड है उसे अपलोड कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आना है इस साइड, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पासबुक, बैंक पासबुक का जो फोटो है उसे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोटो क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ चले आना है, यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टाइप दिया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसे फिलअप करके यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको यहाँ पर ध्यान से फिलअप करके अपलोड करना है। यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का एक फोटो भी अपलोड करना है, जिसकी साइज 100 KB का होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उस रेफरेंस नंबर से दोस्तों आप अपने राशन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। उसे आपको संभाल कर रखना है जब तक आपका राशन कार्ड बन नहीं जाता। जैसे दोस्तों आप इसे सबमिट करेंगे यहाँ से दोस्तों आप जो राशन कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस है उसे ट्रैक कर पाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप ऑनलाइन ही आधार कार्ड के जरिए आसानी से जो राशन कार्ड है उसे ऑनलाइन बना सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूँगा दोस्तों, कई कई राज्य में अभी ये जो सर्विस है ये शुरू नहीं किया गया है। मोस्टली राज्यों में ये सर्विस शुरू हो गई है, लेकिन कई कई जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर अभी ये सर्विस शुरू नहीं की गई है। जल्द ही दोस्तों सभी राज्यों में ये सर्विस शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप सभी राज्य में ऑनलाइन राशन कार्ड बना सकते हैं। अभी कुछ कुछ राज्यों में ऑफलाइन ही राशन कार्ड बनाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।